इससे पहले कि रहर की विधि पूर्वक खेती कैसे की जाती है मैं आपको बताऊं, आइए पहले जान लेते हैं कि इसकी खेती में हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। खेत की तैयारी, बीज का चुनाव एवं उपचार, बीज या पौधों की रोपाई, कपोलों की तुड़ाई, उकठा या पौधा सूखने की बीमारी से बचाव, फल छेदक कीड़े से बचाव, फसल की तुड़ाई एवं भंडारण। देखते हैं रहर की खेती की प्रक्रिया का पहला चरण, खेत की तैयारी। रहर की खेती उपजाऊ जमीन पर ही करना चाहिए। हमें ऐसा खेत का चुनाव करना चाहिए जहां थोड़ा ऊंचा हो और बरसात का पानी ना जमा हो पाए। जिस जमीन पर कंकड़ पत्थर हो और छायादार हो उस जमीन पे रहर की खेती नहीं करना चाहिए। जब खेत की अच्छी तरह तैयारी करेंगे तब तो रहर की फसल अच्छी होगी और फिर देखना फसल भी अच्छी होगी और कमाई भी अच्छी होगी। सबसे पहले हम इस खेत की जुताई करेंगे, उसके बाद पुराने फसल की जड़ें, खरपतवार, पत्ता, पत्थर ये सबको निकाल के फेंक देंगे। उसके बाद उस खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद और नाडेप या केचुआ खाद छिड़क के एक बार जुताई कर देते हैं। एक डिसमिल जमीन पे 5 से 6 टोकरी गोबर की खाद या नाडेप लगता है। अब आपका खेत जितना बड़ा हो उसी के अनुसार खाद मिला दीजिएगा। इसको छिड़कने के बाद खेत की जुताई क्यों करते हैं दीदी? इसलिए कि खाद पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। उसके बाद जमीन में पाटा चलवा के खेत को समतल कर दे। हाँ, जिसमें मेड़ बनाने में आसानी हो। हम अब मेड़ बनाएंगे और मेड़ से मेड़ की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। 6 से 7 इंच मेड़ की ऊंचाई होना चाहिए, इसलिए ताकि पौधे को फैलने और बढ़ने का मौका मिल सके। और दीदी, साथ ही साथ पौधों को भरपूर हवा, पानी और पोषण मिल सके जिससे कि अच्छी फसल हो। और एक बात ध्यान देना चाहिए दीदी, मेड़ को ढलान के विपरीत दिशा में बनाना चाहिए ताकि बरसात के समय पानी खेत से रुक रुक कर निकले। सही जमीन का चुनाव और खेत की समुचित तैयारी रहर की सफल खेती की प्रक्रिया का पहला चरण है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रहर के बीजों का चयन और उपचार कैसे करते हैं।